गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एंड व्हाट इज दिस नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज रिलेटेड विद गिविंग द डिफरेंट सेंसेशंस इन आवर बॉडी, लाइक द हॉटनेस, कोल्डनेस, पेन, the sense of vision, the sense of hearing, taste, as well as controlling all the muscles in our body is called as the nervous system. Hamari body ka ye nervous system itna important system hai that, and this is also very large system, kyunki iski studies itni large hai, itni detail mein hai, ki hum yahan par aapke samne bahut hi brief mein इसके बारे में हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से प्रेजेंट है और हम किस तरह से इसको हाईलाइट करते हैं। लुक, द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और उन तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हम अपने नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। व्हाट आर दीज थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट्स? लुक, द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। नंबर वन इज दी CNS, जिसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड पार्ट इज दी PNS, जिसका मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड पार्ट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम अपने नर्वस सिस्टम को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करके और उसकी स्टडी करते हैं। नाउ एज एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे, और उस इंट्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हम आपको ये इंट्रोडक्शन दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये इंट्रोडक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ पर है, और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर है। इसकी डिटेल्स को हम वन बाई वन करके आगे डिस्कस करेंगे। टुडे इज ओनली द इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ प्लीज लुक, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंटेन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। हम सबसे पहले जब ब्रेन की बात करते हैं, द ब्रेन इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल विच इज कॉल्ड एज द क्रेनियम और इन द क्रेनियल कैविटी। फ्रॉम द ब्रेन arises the cord like structure, एक मोटे धागे जैसी structure निकलती है, which is called as the spinal cord, जिसको हम spinal cord कहते हैं। और the spinal cord is present inside the vertebral column और backbone, हमारी रीढ़ की हड्डी में ये सुरक्षित पाई जाती है। ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? It starts from the lower part of the brain, medulla oblongata, and ends at the L1 vertebra. हमारी रीढ़ की हड्डी का नाम है lumbar vertebra, that is the L1 vertebra. वह जाकर ये समाप्त हो जाती है। So about the location and the position, brain in the cranial cavity, upper part of the skull, largest organ of the nervous system, and also called as the master organ. Spinal cord, which is a cord-like structure, एक मोटे धागे जैसी रचना जो हमारी spinal cord में पाई जाती है, it makes the first part central nervous system, जिसकी आगे चलकर हम पूरी डिटेल को स्टडी करेंगे। Now let us come to the second part, peripheral nervous system. What is this peripheral nervous system? Peripheral nervous system is that part of the nervous system which is related with the nerves only, जिसमें हम केवल nerves की study करते हैं। और ये nerves कैसे हैं देखिएगा, we have got the 12 pair of the cranial nerves, 12 pairs of the cranial nerves हमारी इसके अंदर पाई जाती हैं, जो 12 जोड़े cranial nerves की हैं, और ये
हमारे ब्रेन में से निकलती हैं लाइक दिस। ब्रेन में से ये हमने ग्रीन कलर से दिखाई हैं, ये ब्रेन में से निकलती हैं और इन 12 पेयर्स में से 10 पेयर्स यानी के 10 जोड़े सिर्फ हमारे हेड रीजन तक ही यहाँ तक रहते हैं और उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। देन रिमेनिंग 12 में से 2 हमारे पास अभी और बची हुई हैं। 1 क्रेनियल नर्व, इट कम्स अप टू द नेक रीजन, ये नेक रीजन तक आती है और इसकी ब्रांचेस यहीं तक आकर के ये यहीं समाप्त हो जाती है। दिस इज दी स्पाइनल एसेसरी नर्व। देन एक नर्व हमारे पास और बची हुई है, दैट इज दी वेगस नर्व विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, हमारे ब्रेन में से निकलती है और ब्रेन में से निकल करके मैक्सिमम बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होकर इट कम्स अप टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस आती हैं। वी कैन से दी वेगस नर्व इज सच ए इम्पॉर्टेंट नर्व विच इज सप्लाइड टू दी मैक्सिमम ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इन दी हार्ट, इन द लंग्स, इन दी लिवर, स्टामक, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, अप टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके रास्ते में जितने भी ऑर्गन्स पड़ते हैं ये सभी जगह पर सप्लाई होती है। इसका नाम है वेगस नर्व। अब जब हम देखते हैं कि ये 12 क्रेनियल नर्व्स जो इस तरह से आपके सामने अभी डिस्कस की गई हैं, देन देर आर प्रेजेंट दी 31 पेयर्स ऑफ दी स्पाइनल नर्व्स। 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के भी पाए जाते हैं और ये 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के ये कहाँ से निकलते हैं? एज द नेम इज़ द स्पाइनल, देयर फोर दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये 31 जोड़े हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है बाय द रेड कलर, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की तारों की तरह से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं और हमारे नेक रीजन से लेकर हमारे नीचे टो तक, हमारे पाँव तक, ये सारी जगह पर कंप्लीट बॉडी के अंदर ये नर्व्स सप्लाई होती हैं। देयरफॉर क्लियरली वी कैन से द 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स ये ब्रेन में से निकलती हैं और 10 हमारी सिर्फ अपर रीजन, हेड रीजन तक ही जाकर समाप्त हो जाती हैं। 2 नीचे उतरती हैं, स्पाइनल एसेसरी नेक रीजन पर जाकर समाप्त हो जाती है। केवल 1 क्रेनियल नर्व नीचे तक उतरती है अप टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। दी स्पाइनल नर्व 31 पेयर जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं और बाकी जितना भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं सब जगह पर ये 31 पेयर्स ही आगे सप्लाई होती हैं और हमारी डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट सेंसेशंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। नाउ लेट अस कम टू दी थर्ड पार्ट। अब हम आपको तीसरे पार्ट के बारे में बताएंगे जो नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट है, दैट इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नो व्हाट इज दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? देखिए AUTO, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ जो अपने आप स्वयं कार्य करे। सो वी कैन से द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच फंक्शंस इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली, ये अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ये नर्व्स अपना काम करती रहती हैं, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद दी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेटेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वह भाग है जो अपना काम फ्रीली करता रहता है,
वी नीड नॉट टू ऑर्डर एनी पार्ट, किसी पार्ट की में हमें उसको किसी कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर काम करता रहता है। सो वी कैन से कि ये तीन पार्ट हमारी नर्वस सिस्टम के बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो हम कम्प्लीटली पूरे नर्वस सिस्टम को हम इस तरह से स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ दी CNS, सेकेंड इज़ दी PNS, थर्ड इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये हमने आपके सामने इस डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि दी CNS, दिस इज द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, PNS, द 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिकली काम करने वाला ऑर्गन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इन द नेक्स्ट टाइम वी शैल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। So thank you very much. Please like the video and share the video and subscribe the video. Thank you.